चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सीएमआर की तस्वीरें दिखाते हैं। वीसी के जरिए सीएम गहलोत जुड़े हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। दिवाकर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी राजेश यादव जी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भवानी देता जी, रजिस्ट्रार अबू सुफियान जी, प्रबंध निदेशक आर एस आर डी सी संदीप माथुर जी, विजय कुलकर्णी जी, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट और तमाम उपस्थित भाई और बहनों, जो असली ओपन वीसी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि पूरे प्रदेश के जो लोग सुन रहे हैं उन सबको संबोधित करते हुए, भाई और बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत पुराना सपना था और इसी कारण से पिछले शासन में हमने दो विश्वविद्यालय प्रारंभ किए थे। एक श्री हरदेव जोशी के नाम से पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, और दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का निश्चय किया। उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली सरकार बदल गई, दोनों यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया गया, जैसा कभी होता नहीं। अभी ओम थानी जी कह रहे थे विश्वविद्यालय एक बार बनने के बाद में कभी बंद नहीं होता है, और जैसा मुझे बताया गया कि पहला उदाहरण देश के अंदर जहां पर दो विश्वविद्यालय को पूरी तरह वापस बंद कर दिया गया। और मुझे खुशी है कि जब सरकार बनी हमारी वापस, तो वापिस हम लोगों ने तय किया दोनों विश्वविद्यालय को हम लोग पुनः प्रारंभ करेंगे। एक्ट बना और आज वो दिन आ गया जब हम लोग इस हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का शिलान्यास के रूप में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जिस रूप में शिलान्यास होना चाहिए था उस ढंग से संभव नहीं हुआ, क्योंकि अभी कोरोना का जो प्रोटोकॉल है SOP जारी की हुई है, उसमें 100 लोग ज़्यादा आ नहीं सकते, और इतना महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। हम चाहेंगे पूरा मीडिया का जो परिवार है राजस्थान का, सिर्फ जयपुर के नहीं बल्कि राजस्थान के जो पत्रकार है, जो साहित्यकार है, जो बुद्धिजीवी है, जिनका ताल्लुक है इस विश्वविद्यालय से, उन सबको हम आमंत्रित करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। पर मैं चाहूँगा, मैं पीसी साहब से कहना चाहूँगा कि अवसर देख करके ये प्रोग्राम हम करेंगे, जिसमें सब लोग इन्वाइट करेंगे, और इन्वाइट करके हम लोग चाहेंगे कि सबकी भागीदारी बने, इस विश्वविद्यालय को किस रूप में आगे बढ़ाना है, क्या सपना है, कैसे पूरा करना है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो अभी एक माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से हैं यहाँ पर भोपाल में, और एक कुशाव ठाकरे के नाम यूनिवर्सिटी बनी हुई जयपुर के अंदर, और ये तीसरा विश्वविद्यालय है। हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर आज़ादी के जंग के अंदर भी क्या भूमिका थी पत्रकारों की। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं, वो भी पत्रकार थे, और जिस शहर से मैं आता हूँ जोधपुर से, वहाँ श्री राजस्थान जयनारायण व्यास बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे राजस्थान के, वो भी पत्रकार थे। एक अखिलेश मामा थे, वो पत्रकार थे। श्री हरदेव जोशी जी खुद पत्रकार थे, जो मुख्यमंत्री बने बाद में। ये रिवाज था आज़ादी के जंग का, उस वक्त में पत्रकारों की भूमिका बहुत बड़ी होती थी उस मोमेंट के अंदर जब स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी। इसलिए मेरे दिलो दिमाग में बात थी कि राजस्थान में क्यों नहीं माखनलाल चतुर्वेदी की तरह विश्वविद्यालय खोले, और हमारे यहाँ से भी पत्रकार साहित्यकार जो भी लोग हैं, आजकल जमाना बदल गया है, हाईटेक का जमाना है, उससे तो खाली प्रिंट मीडिया हुआ करता था, अब तो प्रिंट भी है, सोशल भी है, और टीवी भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया, हाईटेक आ गया। इसलिए राजस्थान के छात्रों को क्यों नहीं अवसर मिले कि हमारे यहाँ के छात्र भी
प्रशिक्षित होकर के ट्रेनिंग लेकर के डिग्री कोर्स लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करके पीएचडी करके क्यों नहीं राजस्थान के बाहर भी राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँच सके, यही सोच करके हम लोगों ने एक सपना देखा था और उस सपने को पूरा करना पूरे प्रदेशवासियों का कर्तव्य है, क्योंकि ये ऐसा काम है जिसमें हम नई पीढ़ी को ढाल सकते हैं सही दिशा में। जो हमारा संविधान है उसमें जो भावना व्यक्त की गई है मूल प्रीएम्बल के अंदर हमें कर्तव्य बताए गए हैं, उसके हिसाब से नागरिक बने, मानव संसाधन बने राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोगों का, ये हमारा ध्येय है। क्योंकि अगर लोकतंत्र की जो भावना है मूल भावना अगर उसके आधार बना के हम नहीं चले तो आने वाले वक्त में हमें बहुत बड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी मुल्क का विकास निर्भर करता है वहाँ शांति हो, सद्भाव हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, अहिंसा का माहौल हो, और आज माहौल वो नहीं है देश के अंदर। आज माहौल बहुत ही खतरनाक माहौल है, कोई नहीं जानता किस दिशा में देश जा रहा है और किस दिशा में देश जाएगा, ऐसे माहौल में हम चल रहे हैं। इससे और ज़्यादा हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है किस प्रकार से हम इस विश्वविद्यालय के अंदर, चाहे फैकल्टी की बात हो चाहे प्रबंधन की बात हो, इस रूप में किया जाए जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर इस विश्वविद्यालय के स्वयं का नाम राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जगत पे बढ़े, तब जाकर के हम लोग प्रेरणा दे पाएंगे, स्टूडेंट्स को दे पाएंगे। तो काम बहुत बड़ा है और मुझे दुख हुआ कि पता नहीं किन कारणों से पिछली गवर्नमेंट को, वहाँ के वसुंधरा राजे जी को क्या किसने एडवाइज कर दिया, अरे कौन मूर्ख लोग थे जिन्होंने विश्वविद्यालय बंद करवा दिया और विश्वविद्यालय को मर्ज करवा दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ कोई फैकल्टी नहीं है पढ़ाने वालों की। ऐसा कभी होता नहीं है, सरकारें बदलती रहती है, पर किसी ने जिसे इस ग्रुप में मिसगाइड किया होगा, पता नहीं किसका दबाव था जिस कारण से उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया जिसकी बहुत आलोचना हुई। मुझे खुशी है कि 98 के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना 20 साल पहले, जब करीब 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर और 22 से 22 यूनिवर्सिटी बन चुकी राजस्थान के अंदर, और ओम थानवी जी को बनाया वाइस चांसलर, हमने खुद ने, मैं जानता था कि ओम थानवी लंबे समय से करीब मेरे कहे 45 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं बचपन से, और जिस रूप में इन्होंने अपना मुकाम बनाया देश में विभिन्न जगहों पर रहकर के, चंडीगढ़ हो चाहे दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो, इनकी अलग पहचान थी, इनका अलग व्यक्तित्व था, ये सोच के मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि आप आइए और इस विश्वविद्यालय को संभालिए। मुझे खुशी है कि मेरे बात को उन्होंने स्वीकार किया, आए और जम के इन्होंने काम किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया, ना तो कोई बिल्डिंग है ना कोई जगह है, उसके अंदर आप अगर आप खुद इंटरेस्ट नहीं लो तो हो सकता है कि आज जो स्थिति पहुंची है वहां तक पहुंच नहीं पाते हम लोग। इन्होंने खुद ने इंटरेस्ट लिया, मैं समझता हूं कि कई जगह तकलीफ भी आती है, परेशानी आती है शुरुआत के अंदर, उसको झेला और आज बाद में खासागोटी में सही पर एक विश्वविद्यालय शुरू कर दिया, हर वहाँ कोर्सेज चल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के भी ग्रेजुएशन के भी। तो एक इन्होंने इनका कमिटमेंट था इसलिए संभव हुआ, वरना तो संभव ही नहीं होता, इसलिए आज पीएचडी तक की कोर्स चल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस रूप में मैं समझता हूँ कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और अब तो जो विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही है, आप सोच सकते हो कि आने वाले वक्त के अंदर सरकार साधनों की कमी नहीं रखेगी। अभी करीब 328
28 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 328 करोड़ का, और पहले फेज में हम लोगों ने 115 करोड़ मंजूर किए हैं जो काम शुरू हो जाएगा। 56 करोड़ तो खाली बिल्डिंग बनने का ही काम है। इस प्रकार से पहले फेज और दूसरे फेज, पहला फेज शुरू होते ही ये विश्वविद्यालय खासाकोटी शिफ्ट हो जाएगा। 18 महीने का टाइम दिया गया है, 18 महीने में काम पूरा हो जाएगा पहले फेज का। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। आप देखते हो कि आज देश में किस प्रकार से मीडिया व्यवहार कर रहा है, हमें दुख होता है क्योंकि मीडिया दबाव में है, सरकार के दबाव में मीडिया चल रहा है अभी देश भर के अंदर। लोकतंत्र में आलोचना असहमति को स्वागत होना चाहिए सत्ता पक्ष को, उससे कई फीडबैक मिलता है उन लोगों को सुधार करने के अंदर। अगर आपका कमिटमेंट जनता के साथ में है तो आप चाहे कोई आलोचना करे आपकी, आपसे असहमत भी हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, पर वो स्थिति अभी नहीं है। अभी तो हिंसा का माहौल भी है, तनाव का माहौल भी है, अशांति का माहौल भी है। राजनीति आप देख रहे हो चुनाव के अंदर भी किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बहुत ही चिंता वाली बात है, ये देश के लिए चिंता वाली बात है। और उस माहौल में हम लोग चाहते हैं कि कैसे वापस माहौल ठीक हो देश के अंदर, इसमें पत्रकारिता की भूमिका बहुत बड़ी होती है। और भूमिका रही जब मुझे जब आज़ादी की जंग में रही हो और बहुत बड़ी भूमिका अदा की हो, तो अब तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, देश एक रहे, अखंड रहे, मजबूत बने। और सरकार चाहे किसी पार्टी को हो, उनको आईना दिखाते रहें। आईने का मतलब आप सच्चाई अगर उजागर करोगे तथ्यों के साथ में, तो एक आईने की तरह सत्ता पक्ष के लोगों को मालूम पड़े, उसमें वो सुधार करे, ये ध्येय होना चाहिए। पर आज अगर मीडिया खुद ही दबाव के अंदर है, मीडिया के मालिक जो हैं वो दबाव में हैं, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई के छापे पड़ सकते हैं किसी के यहाँ भी, और पड़ा भी है, तो आप सोच सकते हो कि किस रूप में वो बिहेव करेगा। तो दबाव में मीडिया बिहेव कर रहा। आज विपक्ष को जो है सरकार से, सरकार के विरोध प्रकट करने के लिए आप देखते हो कि सरकार ने आगे कर रखा मीडिया को, खुद तो पीछे हो गई है सरकार, आगे कर रखा उन्होंने मीडिया को। डिस्कशन होते हैं उसके अंदर आप देखते हैं जो लोग बैठते हैं, लोग कौन बैठते हैं, वो लोग किस प्रकार से वो डिस्कशन होते हैं आप समझ सकते हो। इतनी बातें करें इतनी कम हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें सबको हाईटेक के ज़माने में, मैंने कहा आपको, तो उसी रूप में हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय की शुरुआत भी जिस रूप में हो रही है उसको हम लोग चाहेंगे कि और ज़्यादा आगे बढ़े। देवी कल्ला एक गाँव है छोटा सा, जहाँ मुझे मुख्यमंत्री बनने के पहले जाने का मौका मिला, और मैं तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को लेकर वहाँ गए थे इसी गाँव में, और स्वयं इसी गाँव के अंदर विश्वविद्यालय खुल रहा है, तो मेरे लिए तो और खुशी की बात है। गाँव वालों से हमारी नेता सोनिया गांधी रूबरू हुई थी, हम लोग दो गांव थे, देवी कल्ला था एक गांव और था, मैं नाम भूल गया। तो मुझे खुशी है कि उसी गांव में ये विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। अभी तो बच्चे 200 छात्र हैं इसके अंदर, तो मैं विशेष साल पर कहूँगा कि जल्दी 2000 छात्र एडमिट हो। विश्वविद्यालय का मतलब भी पूरी तरह यार 500, 1000, 1500 बच्चे आए और फुल फ्लैज विश्वविद्यालय बने। जैसे मैंने कहा कि आपको साधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। प्रथम चरण में कहते प्रशासनिक भवन, कुलपति कार्यालय, लाइब्रेरी, रिकॉर्ड रूम, बोर्ड रूम, एग्जीबिशन गैलरी, एकेडमिक कॉम्प्लेक्स प्रथम और द्वितीय एकेडमिक डिपार्टमेंट, 4 ब्लॉक, स्टाफ फैसिलिटीज और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बन रहे हैं। अभी जो बताया गया आर्किटेक्ट को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्या नाम उनका, मिस्टर विजय कुलकर्णी, बहुत शानदार उन्होंने बनाया है, इसका डिजाइन अच्छा बनाया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और RSRDC के MD और जो भी चेयरमैन हैं
उनको मैं कहना चाहूँगा इसको टाइम बाउंड बनाएं, टाइम बाउंड को पूरा करें। 18 महीने का मतलब 16 महीने में कर दे, तब मालूम पड़ेगा हाँ मतलब ये मंत्री जी बैठे हुए हमारे चेयरमैन बन गए आजकल मेरे के यही मंत्री जी, आपकी जिम्मेवारी है कि 2-3 महीने कम करो इसमें, 18 की बजाय 15 महीने में करो, तो मालूम पड़ेगा मंत्री जी खुद ही अनुभव रखते इस विभाग का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, काम आएगा विभाग का आपका अनुभव। बाकी जो एमओयू किए हैं जनरल मैथ्स यूनिवर्सिटी से किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर और पुलिस यूनिवर्सिटी से, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम कहते पत्र कहते चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ की रक्षा करने का समय आ गया, अभी वो संकट में है, संकट में है। पब्लिक ओपिनियन हम बना करके जो हमारा काम है पब्लिक में किस प्रकार से मैसेज दें जिससे कि मीडिया की हौसला अफजाई हो, हिम्मत दिखाए, डरे नहीं घबराए नहीं। अभी डरा हुआ मीडिया देश के अंदर, चाहे वो माने या नहीं माने, बहुत डरा हुआ है। एक तरफा चल रहा है रवीश कुमार टाइप, बहुत कम लोग हैं जो भूमिका अदा कर रहे हैं। रवीश कुमार भी है वो हमारा, वो आप पार्टी वाला क्या नाम उनका, आशुतोष है, मेरी अजीत अंजुम है। कुछ लोग रहे हैं जो मतलब हिम्मत दिखा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि योगेंद्र यादव तो पत्रकार थोड़ी है, वो तो एक्टिविस्ट है, पर बहुत अच्छा लिखते वो भी। बस बाकी तो बातें करी थी कम है, अभी इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी की बात है, मैं तो बहुत आज बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरा सपना जो था वो आगे बढ़ रहा है। यही बात कहता हूँ मैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबने भागीदारी निभाई। और जैसे मैंने कहा ओम थानवी जी, अभी से आप लिस्ट बनाने लगो, राजस्थान भर के जो कुछ वर्ग के लोग हैं पत्रकारिता में पत्रकार रहे हुए हैं, मतलब जो भी हैं जिसकी भूमिका रही है समाज के अंदर।